मसीह विश्वासियों जय यीशु की। प्रस्तुत है 20 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14 तक से लिया गया है। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारवार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु का अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूँगा, यह प्रभु का कथन है, यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक से लिया गया है। ईसा ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, एक बच्चा जब सोचने समझने की उम्र में पहुँचता है तो वह अपने जीवन में सुख शांति की तलाश करना शुरू कर देता है और उस सुख शांति के खोज में वह कई प्रकार से ज्ञान अर्जित करता है कि जीवन में वह कैसे सुख शांति को ढूंढ सके और वह कई लोगों के संपर्क में आकर वह सुख शांति पाने की ज्ञान अर्जित करने लगता है। कभी कभी वह गलत लोगों के संगति में आ जाता है और क्षण भर की सुख पाने के लिए गलत कार्य करने भी लग जाता है। इस प्रकार जब वह युवावस्था में पहुंचता है तब वह दिन रात मेहनत करने लगता है। अपने मेहनत एवं शक्ति से वह धन एकत्र करता एवं जीवन की हर एक खुशियों को अपने कदमों में लाकर रखना चाहता है।
उसकी इच्छा पूरी होते ही उसे खुशी एवं आनंद का अनुभव होने लगता है, लेकिन वह खुशी और आनंद एक छाया की भांति उसके जीवन में प्रवेश करती है और क्षण भर में गायब हो जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, संसार की भौतिक वस्तुओं से हमें सुख शांति का अनुभव जरूर होता है, लेकिन वह क्षण भर का है। अतः हमें अपने जीवन में ऐसे सुख शांति के खोज करना चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी, और वह सुख शांति सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह ही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ईसा मसीह उन्हीं को वह सुख शांति प्रदान करते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। नबी इसायस के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। जी हाँ मेरे प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, जीवन में सुख शांति पाने के लिए हम ईश्वर से लंबी लंबी प्रार्थनाएं, उपवास एवं तपस्या करते हैं, लेकिन ईश्वर हमें प्रदान नहीं करते हैं। सवाल उठता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो ईश्वर जरूर हमें सुख शांति प्रदान करेंगे। जो भी हम मांगेंगे वे हमें प्रदान करेंगे। आज के पहले पाठ के माध्यम से नबी इसायस कहते हैं कि यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। लेकिन नबी इसायस अपने ग्रंथ के इस अंश के द्वारा हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे तो प्रभु तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। यह सत्य है, यदि हम ईश्वर के इन आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करेंगे तो ईश्वर हमें हर प्रकार के सुख सुविधाओं से तथा उस अनंत शांति को प्रदान करेंगे जिसे उन्होंने देने की प्रतिज्ञा की है। आज के पहले पाठ में विश्राम दिवस का भी जिक्र किया गया है। इसराइलियों के लिए विश्राम दिवस प्रभु के दिन से था, लेकिन हम ख्रिस्तियों के लिए विश्राम अर्थात अनंत जीवन है, और हम ख्रिस्तीय उसी अनंत जीवन की प्रतीक्षा में हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने लेवी की बुलाहट के बारे में सुना। लेवी जो एक नाकेदार था तथा समाज में उसे एक पापी व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, ऐसे पापी व्यक्ति को प्रभु अपने साथ बुलाते हैं। सुसमाचार के अंतिम भाग में हमने सुना प्रभु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। लेवी यहूदी समाज में एक गिरा हुआ व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। हो सकता है कि सभी लोग उसे दुआ के बदले बददुआ देते थे होंगे, लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे थे होंगे। प्रभु के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर वह ईसा का अनुकरण करने लगता है। ईश्वर प्रेम है, वह प्रेम एवं दया से भरपूर है, वह क्षमाशील है, मनुष्यों के पापों को क्षमा कर उन्हें नव जीवन प्रदान करता है। लेवी इन सभी गुणों को प्रभु में देखता है और अपने बुराई तथा स्वार्थ को त्याग कर प्रभु का अनुसरण करने लगा, क्योंकि उसने सच्चाई को पा लिया और अब उसका जीवन ईश्वरीय आनंद और शांति से भर गया।
उसने यीशु को अपने घर में भोज के लिए निमंत्रण दिया। यही नहीं, उसने अपनी खुशी बांटने के लिए अपने साथी नाकेदारों को भी आमंत्रित किया, ताकि वे भी यीशु जैसे महान नबी और गुरु से मुलाकात करके अपना जीवन का मार्ग बदल लें। ख्रिस्तीय जीवन का आनंद और खुशी उसी वक्त और बढ़ जाती है जब हम उसे दूसरों को बांटते हैं। आज के समाज में भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, जातीयता जैसे सामाजिक बुराइयों से लोग जकड़े हुए हैं। धन दौलत का दानव लोगों पर सवार है। बेईमानी, घूसखोरी, लूटपाट, अन्याय, अत्याचार सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु यीशु आज हमें भी मती के समान बुला रहे हैं। वह हमें भी पाप के गर्त से निकाल कर हमारा उद्धार करना चाहते हैं। अतः हम प्रभु की वाणी को सुने, मनन चिंतन करें और प्रभु का अनुसरण करें। प्रार्थना करें कि यीशु हमारा उद्धार करे, क्योंकि हम भी पापी, बीमार, लाचार और अविश्वासी हैं। हमें क्षमा करे, चंगा करे तथा कृपा दे कि हम उन्हें प्यार कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, उन्हें अपने समान प्यार दे सकें और सदा उनके मार्ग पर चल सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रतिदिन बाइबल पाठ में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, रोज दिन वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन प्रभु के वचन के प्रति आपका प्यार तथा ईश्वर की कृपा मुझे प्रतिदिन का वीडियो बनाने में शक्ति प्रदान करती है। आपसे मेरा अनुरोध है कि भले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु का वचन सुन सकें और अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें। धन्यवाद।